संगीत न केवल दुख के दर्द को भरता है बल्कि यह बोझिल लम्हों को भी खुशियों में बदल देता है। अक्सर म्यूजिकल हीलिंग बीमारों को अच्छा महसूस कराने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश के बैतूल के एक कोविड सेंटर में भी देखने को मिला, जहां एक मरीज की गायन कला ने बाकी मरीजों को न केवल बीमारी से उभरने में मदद की बल्कि सेंटर के माहौल को भी खुश मिजाज कर दिया। बैतूल के हमलापुर इलाके में बनाया गया कोविड सेंटर यहां की साफ सुथरी और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जाना जा रहा है, लेकिन अब ये सेंटर यहां भर्ती एक मरीज की गायन कला के लिए सुर्खियों में है। 53 साल के मरीज चेतानंद 25 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस सेंटर में भर्ती किए गए थे। एक दो दिन तो पता ही नहीं चला कि वे गायक हैं, लेकिन जब उन्होंने बिस्तर पर बैठे बैठे गुनगुनाना शुरू किया तो उनकी गायकी ने कोविड सेंटर के स्टाफ से लेकर मरीजों तक को अचंभित कर दिया। चेतानंद के कोविड सेंटर में यह गाने खूब वायरल हो रहे हैं। माइंड में मूड फ्रेश के हिसाब से एक दो शौकीन और भी थे साथ में, तो हमने बोला चलो भाई मनोरंजन करें। संगीत से शुरू से जुड़े थे हम, आज यानी ऑर्केस्ट्रा से 30-40 साल पहले से, तो सब एक बोलते ही थे चलो यार एक आध गाना सुनो, तो उससे रुचि बढ़ते रही। तो 8-10 दिन ऐसे निकल गए कि हमको समझ भी नहीं आया। अच्छा लगता था, मतलब हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था, उसमें हम कराओके वगैरह बजा के मोबाइल से कनेक्ट करके उसमें हम गुप्ता जी गाना गाया करते थे, हम लोग बैठ के लुफ्त उठाया करते साथ में, ऐसे करके हमारा मनोरंजन टाइम पास, और जितने बाकी सभी पेशेंट थे उनका भी टाइम पास होता रहता था। मतलब एक संगीतमय माहौल बन जाता था और सभी लोग उसका लुफ्त उठाते थे। साहब आप जा रहे हैं यहाँ से तो जी, बाकी पेशेंट जो आपके साथ पीछे रह गए उसको मतलब याद करते रहेंगे कुछ दिनों तक के, वो अभी तो सभी मना कर रहे हैं कि ना जाओ ना जाओ, लेकिन अब हम यहाँ रह के करें, हमको भी घर जाने की खुशी है। जब मुझे पता चला कि वो एक बहुत अच्छे सिंगर हैं तो मैंने सोचा कि इनका भी मैं अपने मरीजों के लिए इस्तेमाल करूँ और एक अच्छा माहौल, ताकि उससे और अच्छा माहौल निर्मित हो। और रही बात म्यूज़िक की, पहले तो मैं बताऊं कि जो हमारा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल गाइडलाइन के अनुसार है, इलाज और सारी चीज़ों का हम पालन कर ही रहे हैं। जेएसआर टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।